सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, और बताया जा रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाने की तैयारी अब पूरे तरीके से तेज़ हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वो 24 घंटे सहयोग के लिए उपलब्ध हैं। बड़ी बात यह है कि अब लॉकडाउन 14 अप्रैल से बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनट पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, PM has taken correct decision to extend lockdown. Today, India's position is better than many developed countries because we started lockdown early. यानी कि अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही फैसला लिया है लॉकडाउन को बढ़ाने का। भारत की जो फिलहाल दशा है वो बाकी कंट्री से बेहतर है, शायद यही वजह है कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। केजरीवाल के ट्वीट से ये बात साफ है कि फिलहाल भारत सरकार अब लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि 14 दिनों का और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि 30 अप्रैल तक भी इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन देखना होगा कि कोरोना के मामले कितने कम हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि वो देश को बचाना चाहते हैं, इस वजह से वो लॉकडाउन का कड़ा फैसला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशवासी मेरी भावना को समझेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन एक बार फिर अब लॉकडाउन को बढ़ाने का भारत सरकार फैसला कर रही है। 11 में से करीब 10 मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बताया ये भी जा रहा है कि आज रात 8 बजे PM नरेंद्र मोदी देश को एक बार फिर संबोधित कर सकते हैं। देश को कोरोना से लेटेस्ट अपडेट से वो अवगत कराएंगे और उसके बाद लॉकडाउन बढ़ाने का एक बड़ा फैसला देश को सुनाएंगे। हालांकि देश में कई जगह ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, कहीं पर फंसे हुए हैं। सरकार उनका भी ध्यान रखने का आश्वासन तो दे रही है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर होता क्या। खबरी चौखट के लिए।